इस तरह मुंह मोड़ने से फायदा नहीं होगा। किस चीज से फायदा होगा तुम बता दो। अगर तुम चाहते क्या हो एकनाथ? तुमसे मेधा मैं कुछ नहीं चाहता। हाँ अब तुम मुझसे क्यों कुछ चाहोगे? तुम्हारी चाहत तो पूरी हो गई ना? मेरी चाहत पूरी हो गई और मुझे खबर भी नहीं है। ऋषभ के सामने तुम मुझे बेइज्जत करना चाहते थे, सो तुमने कर लिया। मुराद पूरी हो गई तुम्हारी? फिर वही ऋषभ। मेधा तुम मेरे पास अपना वक्त काटने के लिए आती हो? मैं इस वक्त तुम्हारे सामने वक्त काटने के लिए नहीं आई हूँ एकनाथ। तुम्हारे उस दिन के बर्ताव की सफाई मांगने आई हूँ मैं। उस दिन रेस्टोरेंट में मुझे सबके साथ अकेला छोड़कर चले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बदतमीजियों की हिम्मत करने का ठेका सिर्फ तुमने ले रखा है? तमीज से तुम पेश आओ मेधा। उस दिन मैं तुम्हारे साथ वहां अपना जन्मदिन मनाने गया था और मौत झेल कर लौटा। तुम ना बात का पतंगड़ बना देते हो। मेरी बात तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखती है। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। ऋषभ के सामने मैं बिल्कुल बेमानी हो जाता और मुझे इसका एहसास हो गया। ऋषभ वहां पूजा के साथ अकेले आया था, अलग से। तुमने उसे जानबूझकर अपने टेबल पर बुलाया। अगर हम उन्हें इनवाइट नहीं करते तो क्या वो बुरा नहीं मानते? कोई किसी का बुरा नहीं मानता अगर तुम ना बुलाती तो भी, लेकिन क्योंकि तुम्हें ऋषभ के साथ बैठना था, ऋषभ अच्छा लगता, इसलिए तुम्हें उसे बुलाया। तुम तो ऋषभ के पीछे हाथ धोकर पड़ गए एकनाथ। ऋषभ के पीछे तुम हाथ धोकर पड़ी उम्मीदा, और कोई अनजान आदमी भी ये दूर से देखकर ही बता सकता है। तुम्हारे इस शक का कोई इलाज नहीं है। ऋषभ नाम के तुम्हारे फितूर का कोई इलाज नहीं है मेधा। वाह क्या जन्मदिन मनाया। शाम मोमबत्ती की तरह जल जल कर पिघल रही थी, लौट टिमटिमाती रही कि शायद किसी एक अंधेरे पल को रोशन कर सके, मगर बुझ गई। देखो एकनाथ, मैं वक्त के साथ तुमसे अपना प्यार साबित कर दूंगी, बस मुझे मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। मोहलत एक उम्र से ज्यादा होगी मेधा। सुनील ठीक कहता था कि तुम ऋषभ के भवन से कभी बाहर नहीं आ पाओगे मेधा, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से बाहर जा रहा हूं। उस सुनील की बातों में आकर तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी बात कह दी? मेरा हम दोनों का एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन है। बस यहीं तक हमारी मोहब्बत अब बंद हो चुकी है।